Are you ready? वाह क्या सीन है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। रुको जरा, सबर करो। हेलो फ्रेंड्स, तुम्हारा भाई लेकर के एक बार फिर से नहीं कमाल का ट्रेंडिंग भोजपुरी डीजे सॉन्ग की स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके। तो दोस्तों, आपने जो स्टेटस देखा है प्रीव्यू में, इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है लाइट मोशन, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। अगर आपको विदाउट वाटर मार्क वाला डाउनलोड करना है तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, उसे देखकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज होने वाला है, फोटो एंड वीडियो, तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर अपनी फोटो को लगाकर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक सॉन्ग बीट मारा दूसरा से इफेक्ट नाम का दो लिंक मिल जाएगा, उसे आपको इनपुट कर लेना है अपने लाइट मोशन में। आप उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक इनपुट हो जाएगा लाइट मोशन में, तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना है। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये रहा हमारे सॉन्ग का बीट। तो दोस्तों, बीट के हिसाब से फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों, फोटो को ऐड करने के लिए हमें फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद दोस्तों, इस बॉक्स के नीचे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप जिस भी फोल्डर में फोटो को रखे होंगे उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं इस फोल्डर में रखा हूँ फोटो, तो इस फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, ये रही फोटो, ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, इस थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है, फिल कंपोजिशन एरेज पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपकी फोटो फुल स्क्रीन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, एक बार तीर के आइकन पर क्लिक कर देना है और बचे हुए भाग को कट कर देना है। तो दोस्तों, आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी फोटो को ऐड करने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद दोस्तों, फिर से कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, इस थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है, फिल कंपोजिशन एरेज पर क्लिक कर देना है। एक बार तीर के आइकन पर क्लिक करके बचे हुए भाग को कट कर देना है। तो दोस्तों, दूसरी फोटो भी ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको सभी बीट पर फोटो को ऐड कर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पर फोटो को ऐड करने के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सभी बीट पर इसी तरीके से फोटो को ऐड कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, हमने सभी बीट के हिसाब से फोटो को ऐड कर लिया है। आप देख सकते हैं, हमने सभी बीट के हिसाब से फोटो को ऐड कर लिया है। तो दोस्तों, आप भी इसी तरीके सभी बीट के हिसाब से फोटो को ऐड कर लीजिएगा। फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर कैसे फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से आपको तीन लेयर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना है। एडिट ग्रुप क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस तरीके से दो ग्रुप लेयर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस नीचे वाले लेयर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कलर स्किल पर आ जाना है, स्टार के बॉक्स पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपकी फोटो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं दोस्तों, ये वाली फोटो को सेलेक्ट कर लिया। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। फोटो ऐड हो जाने के बाद दोस्तों, हमें इस तरीके से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों, ये देख सकते हैं इफेक्ट के साथ फोटो ऐड हो चुकी है। तो दोस्तों, आप भी इसी तरीके से फोटो को ऐड कर लीजिएगा। फोटो को ऐड कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आ जाना है। इस तरीके से यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों, इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपका पूरा फोटो लेयर बीट के हिसाब से लग जाएगा। तो दोस्तों, आपको इसी तरीके से फोटो को ऐड कर लेना है। फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें इफेक्ट लगाना है। तो दोस्तों, इफेक्ट लगाने के लिए बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये रहा एक नंबर इफेक्ट। तो दोस्तों, एक नंबर इफेक्ट को कॉपी करने के लिए इस फोटो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद दोस्तों, बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना है। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, एक नंबर इफेक्ट जहाँ जहाँ पर लिखा होगा वहीं वहीं पर हमें एक नंबर इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो दोस्तों, एक नंबर इफेक्ट यहाँ पर पेस्ट होगा दो फोटो पर। तो दोस्तों, एक नंबर इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, एक नंबर इफेक्ट फर्स्ट फोटो पर लग जाएगा। इसी तरीके से दूसरी फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, दूसरी फोटो पर भी एक नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हमें देख लेना है कि एक नंबर इफेक्ट कहाँ पर और लगेगा। तो दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं एक नंबर इफेक्ट कहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों, एक नंबर इफेक्ट यहाँ पर भी लगेगा। तो दोस्तों,
एक नंबर इफेक्ट लगाने के लिए फिर से फोटो पर क्लिक करना है, फिर पर जाना थ्री डॉट पर जाना, पेस्ट पे कर देना तो दोस्तों एक नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दो नंबर इफेक्ट को कॉपी करने के लिए बैक आ जाना, बैक आ जाने के बाद सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना, सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये रहा दो नंबर इफेक्ट। तो दोस्तों दो नंबर इफेक्ट को कॉपी करने के लिए फोटो पर क्लिक कर देना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कॉपी इफेक्ट करने के बाद बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना, सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके आगे की ओर आ जाना है और देख लेना है दो नंबर इफेक्ट कहाँ कहाँ पर ऐड होगा। तो दोस्तों दो नंबर इफेक्ट यहाँ पर ऐड होगा, तो दोस्तों दो नंबर इफेक्ट को ऐड करने के लिए फोटो पर क्लिक कर देना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना, पेस्ट पे कर देना है। तो दोस्तों दो नंबर इफेक्ट फर्स्ट फोटो पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें देख लेना है दो नंबर इफेक्ट और कहाँ पर लगेगा, तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं। दोस्तों दो नंबर इफेक्ट यहाँ पर भी लगेगा, तो दोस्तों यहाँ पर दो नंबर इफेक्ट लगाने के लिए फिर से फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट पे कर देना है। तो दोस्तों दो नंबर इफेक्ट यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें तीन नंबर इफेक्ट को कॉपी करने के लिए बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये रहा तीन नंबर इफेक्ट। तो दोस्तों तीन नंबर इफेक्ट को कॉपी करने के लिए फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कॉपी इफेक्ट करने के बाद बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना है, सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके आगे की ओर आ जाना है और देख लेना तीन नंबर इफेक्ट कहाँ पर ऐड होगा। तो दोस्तों तीन नंबर इफेक्ट इन दो फोटो पर लगेगा, तो दोस्तों तीन नंबर इफेक्ट इन दो फोटो पर ऐड करने के लिए फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों फर्स्ट फोटो पर तीन नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। इसके बाद सेकंड फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों सेकंड फोटो पर भी तीन नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमें चार नंबर इफेक्ट को कॉपी करने के लिए बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये रहा चार नंबर इफेक्ट। तो दोस्तों चार नंबर इफेक्ट को कॉपी करने के लिए इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना, कॉपी इफेक्ट करने के बाद बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना, सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके आगे की ओर आ जाना है और देख लेना है चार नंबर इफेक्ट कहां पर ऐड होगा। तो दोस्तों चार नंबर इफेक्ट यहां से लेकर यहां तक ऐड होगा। तो दोस्तों चार नंबर इफेक्ट को ऐड करने के लिए इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों चार नंबर इफेक्ट फर्स्ट फोटो पर ऐड हो जाएगा। इसी तरीका से दूसरी, तीसरी और चौथी फोटो पर चार नंबर इफेक्ट को आपको ऐड कर लेना है, जैसे मैं आपको यहां पर करके दिखा रहा हूं लास्ट वाली फोटो में। तो दोस्तों फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों चार नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इन सभी चारों फोटो पर चार नंबर इफेक्ट को लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों हमें पांच नंबर इफेक्ट को कॉपी करने के लिए बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना, सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये रहा पांच नंबर इफेक्ट। तो दोस्तों पांच नंबर इफेक्ट को कॉपी करने के लिए इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कॉपी फेक करने के बाद बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना, सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीका से स्क्रॉल डाउन करके आगे की ओर आ जाना है और देख लेना है पांच नंबर इफेक्ट कहां से ऐड होगा। तो दोस्तों पांच नंबर इफेक्ट यहां से ऐड होगा। तो दोस्तों पांच नंबर इफेक्ट को ऐड करने के लिए इस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों पांच नंबर इफेक्ट फर्स्ट फोटो पर लग जाएगा। इसी तरीका से दूसरी फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों पांच नंबर इफेक्ट दूसरी फोटो पर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीका से आपको पांच नंबर इफेक्ट को लास्ट तक लगा लेना है, जैसे कि मैं आपको यहां पर करके दिखा रहा हूं। फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो दोस्तों पांच नंबर इफेक्ट लास्ट फोटो पर भी ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसी तरीका से इन सभी फोटो पर पांच नंबर इफेक्ट को ऐड कर लेना है। 20.13 से लेकर लास्ट तक 26.3 तक आपको पांच नंबर इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो दोस्तों पांच नंबर इफेक्ट ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों वीडियो की स्पोर्ट करने के लिए इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद स्पोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका वीडियो स्पोर्ट हो जाएगा। स्पोर्ट हो जाने के बाद दोस्तों एक और इंटरफेस खुलेगा, तो आपको सेव वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका वीडियो सेव हो जाएगा, गैलरी में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डीजे स्टेटस बनवाना है तो दोस्तों हमारे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।